स्पैगेटी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और 3 से 4 जवे लहसुन के मैंने बारीक काट लिए हैं। आधी बंद को भी बारीक काट लिया। तकरीबन 2 शिमला मिर्च बीज निकाल के इनको भी बारीक काट लिया। 1 गाजर है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, काटा इसलिए नहीं है, इसको गलने में टाइम लगता है। और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर क्यूब फॉर्म में काट लिया। सोया सॉस चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून, सिरका 2 से 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 से 3 टेबलस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और काली मिर्च 1/2 चम्मच, वो मिस हो गई है मेरे से, वो आप ऐड कर लीजिएगा। स्पैगेटी 1 पैकेट, 2 स्टिक्स डिलाइन सॉसेजेस की, मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ठीक है, चाइनीज़ सॉल्ट और केचप। लहसुन और प्याज को मैंने ऑयल में 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा सौते कर लिया है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद मैंने गाजर डाली है। गाजर सबसे पहले इसलिए डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है। और अब मैं डालूंगी इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद इसमें बंद गोभी जाएगी। और बंद गोभी डालने के बाद मैं इसमें अपने सॉसेजेस और सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी जो मैंने आपको पहले बताए हैं। 2 से 3 चम्मच सॉसेजेस, और ये अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बॉयल्ड पानी में अपने सॉसेजेस को डाल दिया और मैंने इसको बारीक काट लिया। बॉयल नहीं करना, बॉयल्ड पानी में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना। अब काट के मैंने इसको ऐड कर लिया। मीनवाइल स्पैगेटी मैंने अपनी बॉयल करने रख दी थी और उसको फुल डन करना है, इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसको मैंने स्टेन कर लिया और 1 चम्मच ऑयल और ठंडे पानी में से इसको मैंने निकाल लिया। और देखें बिल्कुल अलग अलग है, ये चिपकी बिल्कुल नहीं है, नहीं तो इसमें स्टार्च होता है, नॉर्मली चिपक जाती है। इसमें हम कर देंगे ऐड अपनी स्पैगेटी और इसी पॉइंट पे हम कर देंगे ऐड अपनी चीज़ ग्रेट करके। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। बिल्कुल लास्ट मैंने इसमें थोड़ी सी केचप डाली है, केचप मैं अलग से सर्व करूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसकी फाइनल लुक देखें कितनी टेम्पटिंग है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के साथ तो हम सभी ट्राई कीजिए करते हैं, आप सॉसेजेस के साथ भी एक दफ़ा इसको बना के देखिएगा। थैंक यू।